वेलकम अंजुम की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी आलू और सोई की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सोई में बड़ी प्यारी खुशबू होती है और नाश्ते में बड़ी मजेदार लगती है। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं आज के नाश्ते के लिए आलू टमाटर और सोई की सब्जी। तो यहाँ पर हमने आलू को देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। वैसे तो आप इतने ही थिकनेस रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आलू भी जल्दी गल जाते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप जो भी शेप देना चाहें इसे दे सकते हैं। साथ में एक टमाटर इस्तेमाल होगा, इसे हमने पानी में डाल के रख दिया है ताकि जो आलू है वो काले ना पड़े जब तक हम इसे बघा रहे हैं। यहाँ पे हमने सोया ले लिया है, बहुत प्यारी खुशबू आती है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और ठंडक भी करता है ये सोया। तो यहाँ पे सोए की सब्जी को हमने धो लिया है, बस इसे हम बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बहुत बारीक बारीक सा सोए को काट लिए हैं। हम हरे धनिया का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोया की जो खुशबू होती है बहुत लाजवाब होती है। देखिए इस तरीके का होता है सोया, हमने थोड़ा सा आपको बताने के लिए बचा लिया था और हमने इसे बारीक बारीक कट कर लिया। थोड़ा सा जाएगा इसमें एक करी पत्ता, बघारने के लिए 2-3 मिर्चियों को इस तरीके से कट कर लिया है हमने और यहाँ पे ले लिया है एक मीडियम साइज की प्याज। चलिए जल्दी से बघारते हैं मजेदार से आलू और सोई की सब्जी। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया, अपनी प्यारी सी कढ़ाई को भी रख दिया, इसमें हमने 4 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया है और ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून के करीब जीरा। आप जितना डालें डाइजेशन के लिए अच्छा है और खुशबू प्यारी सी आती है। डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब राई। दोनों चटकने लगे हैं, हमें चटकने का इंतजार करना है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जीरे की अच्छी प्यारी की खुशबू आ रही है, राई ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। ऐड कर देते हैं मीडियम कटी हुई एक प्याज, साथ में ही जाएगी ये हरी मिर्च। हमें ज्यादा लाल नहीं करना है प्याज को। इस वक्त ऐड कर देंगे हम करी पत्ते के लीव, इससे भी बहुत प्यारी से खुशबू आती है, जो कि 8-10 हैं, शायद उससे ज्यादा हैं। ये डाल गए, फ्लेम को कम कर दीजिए क्योंकि अब इसमें जाने वाले हैं आलू और ये जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इसे बंद कर देते हैं। चलिए इसमें डाल देते हैं हम आलू। यहाँ सारे आलू इसमें चले गए, एक बार इन्हें ऊपर नीचे कर देते हैं। फ्लेम इस वक्त हमारी लो पर है। अब डाल देते हैं सूखे बेसिक मसाले, जो कि कुछ यूं है, 1/2 टीस्पून हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून रेड चिली, क्योंकि आलू जो होते हैं वो पीले पीले होते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, और इसमें जाएगा नमक आलू के मुताबिक। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा 2-3 मिनट इसे हम फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम 2-3 मिनट के बाद ऐड करने वाले हैं टमाटर, क्योंकि टमाटर की खटास से अक्सर जो आलू हैं वो गलते नहीं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए आलू को, बस अब हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर। ये यहाँ पे चले गए टमाटर, तो चलिए टमाटर इसमें चला गया, जो कि बहुत ही प्यारा सा मजा देने वाला है, खुशबू देने वाला है और खटास भी देने वाला है। ये हो गया हमारा। अब हम जायके के लिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ये भी हो गया हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा डालने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बनाए ना, भाप बनने के लिए पानी। ये सब चीज़ें चली गई, अब हम इसे कर देते हैं कवर और जो सोया है वो बाद में डलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट हो गया है, देखते हैं खोल के। फ्लेम को हमने लो कर दिया है मीडियम से और देखिए माशाल्लाह से जो पानी था वो सूख चुका है यहाँ पर। इस वक्त हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई सोया, तो ये सोया इसमें चली गई,
इसे एक बार अच्छे से चला देते हैं, क्योंकि अब हमें इसे सिम पे दम पे रखना है ताकि आलू जो है पूरी तरीके से निकल जाए। तो चलिए, हमने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है लो। तो चलिए अब इसे 2-3 मिनट हम सिम पे पकने देते हैं। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं इसे सिम पर पकते पकते, और देखिए माशाल्लाह से आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इन्हें हम चेक करके भी देख लेते हैं, लेकिन खूब अच्छे से हमारे आलू गल गए हैं। बस अब थोड़े से फ्रेश खुशबू आने के लिए ऊपर से हरा धनिया नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सोए के साथ बना रहे हैं इस आलू को, तो थोड़ा सा सोया ऊपर से भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। और चलिए अब हम इसे अपने प्लेट में निकालते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसे अपने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार से सोया आलू बनके तैयार हैं। आप ज़रूर बनाइए, पूरी के साथ अच्छे लगते हैं, पराठे के साथ अच्छे लगते हैं। हम अभी बनाने वाले हैं गर्मा गर्म डोसा, और उसके साथ हम बच्चों को और अपने मियाँ जी को नाश्ता देने वाले हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप इस रेसिपी को हमारे तरीके से एक बार बनाइए। सेम खाने बनते बनते लोग अक्सर फैमिली वाले बोर हो जाते हैं, तो हमेशा नई नई रेसिपीज जो होती हैं उन्हें आजमाना चाहिए। हमारे तरीके से बनाइए, आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कुछ नई चीज़ बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं झटपट बनने वाली एक अच्छी सी मज़ेदार सी जायकेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।